नमस्कार, आप देख रहे सनमार लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। आनंद सिंह फिर से सुर्खियों में आए हुए। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में आज आनंद सिंह की पेशी थी। वहां पे आनंद सिंह पहुंचे, उसके बाद पुलिसों ने उनके वॉइस सैंपल को चेक किया। उसके बाद जब वहां से आनंद सिंह निकले तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे फंसाने की फिर से कोशिश की जा रही है, सरकार और प्रशासन दोनों मिली हुई है और मुझे हमेशा की तरह इस बार भी फंसाया जा रहा है। आइए आप खुद सुने आनंद सिंह ने क्या कुछ कहा। पहले मुकेश सिंह और भोला सिंह की हत्या की सुपारी देने के मामले में आनंद सिंह ने आज पटेल भवन स्थित लैब में आकर अपनी आवाज का सैंपल देने के बाद बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आनंद सिंह ने कहा कि जिसके ऊपर आरोप है AK-47 और 56 लेकर चलने की, उसकी पुलिस मदद कर रही है। गौरतलब है कि बीते सोमवार की शाम पंडारक थानेदार उन्हें 1 अगस्त को FSL में आवाज का सैंपल देने से संबंधित नोटिस जारी किया था। इसके बाद सचिवालय थाना अंतर्गत एक मॉल रोड स्थित सरकारी क्वार्टर में पहुंचे थे, लेकिन वहां विधायक मौजूद नहीं थे। घर में मौजूद उनके लोगों ने पुलिस को बताया था कि विधायक वहां नहीं हैं। वे कहां गए हैं ये किसी को भी पता नहीं। पुलिस ने जब घर में मौजूद विधायक के करीबियों से नोटिस रिसीव करने को कहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पंडारक थानेदार ने विधायक के सरकारी आवास पर नोटिस चिपका दिया था। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में विधायक की गिरफ्तारी तय है। जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम ने सुपारी देने वाला ऑडियो FSL में जमा कर दिया है, जिसके मिलान के लिए विधायक को अपनी आवाज का सैंपल FSL में देना होगा। इसके बाद ऑडियो और विधायक की आवाज का मिलान कराया जाएगा। अगर FSL की रिपोर्ट में अनंत सिंह की आवाज होने की बात पर मुहर लगी तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जांच टीम FSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके पहले पुलिस पूर्व में पकड़े गए विधायक के तीनों गुर्गों का बयान ले चुकी है, जिन्होंने मुकेश और भोला की हत्या की सुपारी मिलने की बात कबूल भी की है। विधायक के साथ साथ इस मामले में विकास सिंह, लल्लू मुखिया समेत अन्य पर भी गाज गिरेगी। जो आदमी कहिएगा बना के नीरज का ही कुछ खेला है, मिर्जा बैठ के दिया है, मुकेशवा बहुत बार है, सब खेला खेला है। ऐसा आवाज कोई बना देगा, एक आदमी का आवाज 100 आदमी बोलता है, साइज किया गया है। अरे लड़ाई सरकार से तो कुछ बढ़ेगा, सरकारे के लोग ने कर रहे हैं, कौन लोग कर रहा है, पब्लिक कर रहा है। भोला सिंह 50,000 का इनामी है, जो भोला सिंह के हम खबर किए, फलना किए, चिल्ला किए, 50,000 का इनामी है। कलकत्ता मर्डर किया, CBI खोले चल रहा है, 10 बिहार का मर्डर है। यही सरकार है जो बैठ के बर्बाद करता है पुलिस जाके। ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे? 56 लेके घूम रहा चर्चा को, और वह भोला सिंह के मदद पुलिस कर रहा है। तो ये ऑडियो बिल्कुल किसी और ने अपने आवाज, हाँ एकदम अथी है, बेबुनियाद है। हम आगे बेबुनियाद बात था, बताए ऑडियो आपका नहीं है दादा? ना आपको फंसाया जा रहा दादा? हाँ फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा दादा? नीरज आओ, मुकेशवा आओ, भोलवा बैठ के मीटिंग किया था तीनों, और 3 दिन के बाद ही कुल योजना किया। जो पदाधिकारी है अपना रिकॉर्ड किए, अब अपना उनका काम है अनुसंधान भी लोग सहयोग किए, जो जांच करना होगा करवाई जाए। तो ऑडियो किसका है? ऑडियो तो पुलिस ने बता दे, सच्चाई है कि इनको तो फंसाया गया है। ऑडियो अनंत सिंह का नहीं है। तो कौन फंसा रहा है? सरकार में बता रहे थे, विधायकी बता रहे हैं, सरकार में बैठे हुए रसूखदार लोगों की साजिश है, उन लोग तो अनंत सिंह की हत्या की साजिश रच रहे हैं। सरकार के इशारे पर ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि चुनाव लड़े जितना परेशान कर रहा है, वही बात है। तो सरकार पकड़े गए अपराधी, इनका नाम वही बात है, अपराधी बैठा घूम रहा है, बताया जाएगी आपको। हेलो, अभी बताए भैया, पकड़े गए अपराधी इनका नाम ले रहे हैं, पकड़े गए अपराधी इनका नाम ले रहे हैं। पकड़े गए अपराधी तो फंसाना है किसी, वही तो जाँच का विषय है, दरोगा जी जाँच करे तो पुलिस को जांच करने देगी, सब सामने आ जाएगा। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। लेकिन पुलिस को तो जांच करने देगा नहीं, पुलिस को तो इशारा जिसे गवर्नमेंट करेगी उसी हिसाब से जांच करेगा, सच्चाई। इस मामले को लेकर आनंद सिंह साफ कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, सरकार और प्रशासन मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।